चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2022 की लीग स्टेज के 11वें मुकाबले में दोनों ही टीमें शेर की तरह दो अंक पाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन ये बाजी पंजाब किंग्स ने मार ली है और दो अंक के साथ चौथे स्थान पर आ गई है। मुंबई के ब्रेब्रॉन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। लियम लिविंगस्टन, शिखर धवन और जितेश शर्मा की बेहतरीन पारियों के बदौलत पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 181 रन का लक्ष्य रखा। टारगेट का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम मैच 126 रन पर ही सिमट गई और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली जीत के बाद पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने बताया कि आखिर चेन्नई की किस गलती की वजह से धोनी और जडेजा ने कहां पर चूक कर दी, जहां पर पंजाब किंग्स को जीत मिल गई। तो धोनी को हराने के बाद, जडेजा को हराने के बाद मयंक अग्रवाल ये क्या बोल गए, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है चेन्नई और पंजाब के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, पहले तो आइए जानते हैं इस मुकाबले के दरमियान क्या कुछ देखने को मिला, उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने क्या बताई है चूक। पंजाब किंग्स ने मैच की शुरुआत भले ही टॉस हार कर की हो, लेकिन ये मैच पंजाब ने अपने कब्जे में कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने आई पंजाब की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि 14 रन की साझेदारी निभाकर टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल और भानुका राजपक्षे आउट हो चुके थे, लेकिन इसके बाद शिखर धवन ने 33 रन और लियम लिविंगस्टन ने 60 रन की ताबड़तोड़ अंदाज में चेन्नई के गेंदबाजों की पिटाई करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच 52 गेंदों में 95 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें लिविंगस्टन ने सिर्फ 32 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और इतने ही सिक्स पर 60 रन बना लिए। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद पारी को आगे लेके जाने का जिम्मा आईपीएल 2022 में डेब्यू करने वाले जितेश शर्मा ने उठाया, जिन्होंने 17 गेंद में 26 रन बनाए, जिसके चलते पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 180 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स मैच 126 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 126 रन पर ही सिमट दिया और इसके बाद कप्तान रविंद्र जडेजा का गुस्सा फूट गया। पहले तो आइए जानते हैं आखिर जडेजा ने इस हार के बाद क्या बड़ा बयान दिया है, उसके बाद हम आपको बताएंगे मयंक अग्रवाल ने क्या कहा। पंजाब से मिली करारी हार का दुख रविंद्र जडेजा के चेहरे से साफ नजर आ रहा था। मैच के बाद रविंद्र जडेजा ने कहा, हमने पावर प्ले में बहुत सारे विकेट गंवाए और पहली गेंद से मोमेंटम नहीं मिला, हमें बेहतर और मजबूत होकर वापसी करने का रास्ता खोजने की जरूरत है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ के फ्लॉप शो के बारे में उन्होंने कहा, हमें उसे आत्मविश्वास देने की जरूरत है और उसका समर्थन करने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, हम निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे और मुझे यकीन है कि वो अच्छा करेगा। इसके साथ ही शिवम दुबे की तारीफ करते हुए जडेजा ने कहा, शिवम दुबे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है। अंत में जडेजा ने कहा, निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कड़ी मेहनत करेंगे और मजबूत होकर वापसी करेंगे। जडेजा का मानना यही है कि लगातार बंडल में विकेट गंवाना और सामने वाली टीम को ज्यादा मौके देना ही हमारी हार की सबसे बड़ी वजह रही है। लेकिन आपको क्या लगता है, और जडेजा कई बार कह चुके हैं धोनी उनके मेंटोर के रूप में काम कर रहे हैं, कप्तान के तौर पर अगर उसे किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशंस धोनी ही निकाल कर देते हैं और मैदान में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मयंक अग्रवाल ने किया अपनी रणनीति का खुलासा। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली जीत के बाद पंजाब के कप्तान पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बात करते हुए अपनी रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे कि हम 5-7 रन कम है, लेकिन हमें पता था कि 180 का पीछा करना इतना आसान नहीं होगा, खासकर अगर हम नई गेंद से विकेट लेते हैं, और ठीक यही हमने किया। खेल के उस हिस्से को जीतकर हम खेल जीत गए। लिविंगस्टन से कहा, कुछ नहीं, जब वो बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो सभी की सांसें थम जाती है। उनके द्वारा हिट किए गए कुछ शॉट शानदार हैं, कुछ साल पहले वैभव हमारे साथ थे, वो अलग है, वह युवा है और उसके पास कुछ अच्छे कौशल हैं। जितेश के साथ अनिल भाई ने उन्हें तब देखा था जब वह मुंबई इंडियंस में थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बच्चे को लाना है, उसकी नीयत अच्छी है, उनके बारे में सबसे खास बात उनका रवैया है। तुम भूख देख सकते हो, तुम चाह देख सकते हो, निश्चित रूप से कठिन और सकारात्मक क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। खैर, मयंक अग्रवाल का तो यही मानना है कि पावर प्ले में यानी कि नई गेंद से विकेट चटकाना ही चेन्नई की हार का बड़ा कारण बना और हमारी जीत का। हमने छोटा सा ये शॉट पावर प्ले जीत कर मैच को जीत लिया। लेकिन मयंक अग्रवाल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।